हेलो फ्रेंड, आसंत जानवा आज कार्तिक हविष पंच को केमी पालन करी आपण किसी भूल करेंगे तेज सावधान किपर रिन चर्च के फूल वारण एवं क्यों फल वारण कौन खाइबे कौन नाई से विषय आसत जानवा कार्तिक हविष पंचुक कम कले पूजार फल शहे गुण मिलता है। कार्तिक मासर व्रत एवं पंचुक व्रतर किछि नियम विषय पद्ममुख भगवान विष्णु निजे मुखरे जो पुराण रे व्रतर महात्मा को वर्णना करछन्दि ताहि हेउछि पद्म पुराण। कार्तिक मासरे व्रत एवं पंचुक व्रत करथिले किपरि रहिबो दिनचर्य आसत जानिबा केउ देवताकु केउ फूल चढ़ेले भल के फूल यही मासरे देवा भल नुहे क्यों सबू पर वर्जन एवं क्यों सबू पर खाइले नष्ट यही पंचुक व्रत आसत जाणी यही पोस्टर। बंधुगण देवर्षि नारद कही कार्तिक मास धर्म बेले मुक्ति लभंती निश्चय समस्ती जन्मे पाप घरे निश्चिंत बसे विष्णुपुर पूर्वी विधाता पद्म जनी विष्णु आदि चिरघिनी जहाँ कहले विधि मत से कथा शुण एक चित्त अर्थात देवर्षि नारद महामुनि कहते जे कार्तिक मासर धर्म बेलने शेष जन्म मान पाप हरण हई व्यक्ति मुक्ति लाभ करथाए। आसीन शुक्ल एकादशी दिन ठारु भर बा सूर्योदय पूर्वर ब्रह्म मुहूर्त सूर्यताग करी शौच आदि कामर निवृत्त रहा दरकार। दात घसवा विषय वर्णना करंटाजुक्त गच्छ कि दुर्गंध जनित दात काठी से दात घसब ना से मंदिर किंवा देवस्थान गच्छे दात घसतु ना एवं जो व्यक्ति निजे जो गच्छ लगे थो गच्छर काठरे व्यक्ति दात घसी पारे ना। जदि आपण को कौन सी यज्ञ काठ न मिले तेब आंब पत्र दात घसी पारे से चतुर्दशी अमावास्या षष्ठी एकादशी दिन दात घसवा को बारण कर सूर्य पराग थे कि चंद्रग्रहण थी से दिन दात घसवा को बारण कराई।